Good morning, 8th class. I hope you will learn lesson 1, Abdul Hamid. Today we will discuss poem 1, True Growth, which is written by Ben Jonson. This poem is on your English reader book, page number 9. Now let's start the poem, True Growth, which is written by Ben Jonson. आपको इस बार क्या है कि सभी पोइम्स के जो राइटर्स हैं उनके नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पोइम के राइटर के बारे में. ओके, नाउ डिस्कस द पोइम. इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बर्क डोंट मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 ईयर्स टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बार देन सियर. Poet said, it is not growing like a tree in birth doth make man better be. Poet कह रहा है कि जरूरी नहीं कि हमें मनुष्य को ट्री की तरह बढ़ते जाना है. और एंड में क्या है, एक डोथ के रूप में आप बेटर हो सकते हैं. और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 ईयर्स, कि एक ओक ट्री होता है जो वह 300 ईयर्स उसकी लाइफ होती है, कि आप 300 साल तक ओक ट्रीज की तरह खड़े रहें. टू फॉल अ लॉग एट लास्ट एंड एंड में आप एक लट्ठे के रूप में ड्राई सूखे हुए बाल्ड पत्ताहीन होते हैं उसमें आप गिर जाएं. अ लिली ऑफ अ डे is fairer far in May, although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. On the other hand, poet compares a lily flower. A lily of a day is fairer far in May. Poet कह रहा है कि एक लिली होता है जो उसकी लाइफ सिर्फ एक दिन की होती है, वह मात्र एक दिन के लिए जिंदा रहता है, तो उसकी लाइफ क्या है, एक ओक ट्री से बेटर है. आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, आल्दो कि वह उसी रात को मुरझा जाता है. इट वॉज अ प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, पॉइंट कहता है कि उसकी लाइफ में लाइट है, दूसरों को वह सुंदर लगता है, एंड ब्यूटी है उसकी लाइफ में. इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, एंड पॉइंट सेड कि स्मॉल प्रपोर्शन, छोटे छोटे रूप में भी हम ब्यूटी को देख सकते हैं. एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि आपकी लाइफ जो चाहे वह शॉर्ट हो, बट वह क्या है, ब्यूटी से फिल्ड होनी चाहिए, ब्यूटी से भरपूर होनी चाहिए, आप किसी को खुशी दे रहे हों. नाउ वी विल डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. One doesn't require long life for perfection. Even a short life may be perfect. Long life is not perfect if it is not eventful. On the other hand, a short life is perfect if it is filled with beauty. So in this poem, the poet wants to say that a shorter life is better than a long life if it is not beautiful and if it is not eventful. It means poet कहना चाहता है कि आपकी life short हो कोई बात नहीं, but वह eventful होनी चाहिए, दूसरों को खुशी देने के लिए होनी चाहिए, उसमें क्या है, सुंदरता होनी चाहिए.